बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लखीसराय के मेदनी चौकी पुलिस ने बीपीएससी पेपर लीक मामले में रवीश डॉन और मनोज उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया है। बीपीएससी सॉल्वर गैंग के भागलपुर एवं बांका गिरफ्तार हुए आरोपियों से रवीश डॉन की नजदीकियां सामने आ रही है। भागलपुर से बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों को बचाने के लिए जब रवीश सक्रिय हुआ तो पुलिस की नींद हराम हो गई। रवीश के मोबाइल को सर्विलांस पर रखकर पुलिस लगातार उसके गतिविधियों पर नजर रख रही थी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कनेक्शन की पुख्ता जानकारी होने के बाद ही पुलिस की सक्रियता रवीश डॉन को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ी। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान रवीश ने कहा कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा शुरू होने से लगभग 40 से 45 मिनट पहले आरा से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। किसी दूसरे आदमी के माध्यम से भागलपुर वाले आरोपी के व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र पहुंचा था। उसने कहा कि एक मित्र के कहने पर उसके द्वारा भागलपुर वाले आरोपी को छुड़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। वही पुलिस सूत्रों की माने तो बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह से रवीश की संलिप्तता सामने आ रही है। रवीश को रिमांड पर लेकर पूरे मामले की पूछताछ एवं जांच किया जाएगा। पुलिस रवीश को बीपीएससी पेपर लीक मामले में रिमांड पर लेने को तैयारी कर रही है। वहीं शनिवार को भी गिरफ्तारी के बाद पटना पहुंची आर्थिक अपराध इकाई के टीम द्वारा रवीश डॉन एवं मनोज उर्फ रमेश से कई घंटों तक पूछताछ की गई। छात्र रवीश पुलिस एवं आर्थिक अपराध इकाई के टीम को भटकाने का प्रयास करता रहा। इसके बाद रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। मेदनी चौक थाना क्षेत्र के आम चेक का फरार आरोपी रवीश कुमार उर्फ रवीश डॉन को उसने सहयोगी बर्खास्त मनोज शिक्षक जो मनोज उर्फ रमेश कुमार के साथ शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। एसपी पंकज कुमार ने रविवार को कार्यालय कक्ष में गिरफ्तार अपराधियों के संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी। एसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी के लिए लाए गए 4 अवैध पिस्तल, 8 खाली मैगजीन किरणपुर ढाला के समीप से बरामदगी के मामले में फरार चल रहा था। रवीश डॉन के द्वारा पंचायत चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से मुंगेर से हथियार लाकर तस्करी के लिए निशांत कुमार उर्फ बंटी के पान की गुमटी में छिपा कर रखा था। हथियार बरामदगी के बाद निशांत ने सभी हथियार रवीश डॉन के होने की बात कही थी, जिसे लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अंतर्राज्यीय अपराधी रवीश डॉन पर बिहार सहित दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज है। गुजरात के सूरत स्थित डीसीबी थाना में अपहरण को लेकर 2014 में जो कांड संख्या 6614 दर्ज है। दमन एवं दीव के नानी दमन थाने में केस दर्ज है। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज थाने में केस संख्या 272-07 जो है। पटना के शास्त्री नगर थाने में केस नंबर 2610 और हवाई अड्डा थाने में केस नंबर 159। सारण के नया गांव में भी केस दर्ज है। मुदनी चौक लखीसराय थाना कांड में भी जो है रवीश डॉन का नाम दर्ज है। तो ये जो रवीश डॉन है ये जाना माना अपराधी है, जाना माना डॉन है और कई मामलों में इसके खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है। अब आगे देखना होगा कि जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी निकल कर आई है कि आरा से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ है और आरा से ही 40 से 45 मिनट पहले प्रश्न पत्र लीक का मामला जो सामने आ रहा है उसमें क्या कुछ आगे अपडेट आता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।